एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। एक्चुअली ये फ्रिज का कवर है तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, हटा के फ्रिज वगैरह, क्योंकि कवर तो साफ़ है। मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने इसको धुला था, बस वैसे थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो मैं वही थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। और आज नवरात्रि का भी दिन है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी के परिवार को भी। और ये सब यही सब मॉर्निंग में जो है सफाई का काम चल रहा है, और उसके बाद मुझे मंदिर वगैरह भी साफ़ करना है। तो फ्रिज का सामान सारा सेट हो गया था, और देखिए मेरा रूम किस तरह बना हुआ है। अभी भी सारे सामान पैक ही हैं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स वगैरह सब मतलब ऐसे ही रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग को अभी रूम चेंज करना है तो इसलिए अभी वैसे ही सारा पड़ा हुआ है, किसी तरह बस ऐसे ही काम चल रहा है। तो ये टेम्पल भी रात में ही हम लोग निकाले थे, टेम्पल की भी सफाई करनी है। और ये टेबल वगैरह है, इसको भी मतलब फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, बच्चे ना इधर उधर कर देते हैं बुक वगैरह, तो वही उसको भी मैं थोड़ा सेट कर रही हूँ अच्छे से। और अच्छे से मतलब पेपर वगैरह भी डालना है नीचे, पेपर डाल के फिर मैं जो है बुक वगैरह अच्छे से मतलब सजा दूंगी इसमें, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। बस इसका साफ़ करके मैंने कापी वगैरह जो बुक वगैरह था सारा मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और देखिए देखने में भी कितना अच्छा लगेगा, जब सामान अच्छे से सेट हो जाता है ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम घर को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ना, सही जगह से सारा सामान अगर सेट रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस सारा सामान मतलब हो गया था, सेट हो गया था, साफ़ सफाई का काम सब हो गया था। तो बस इधर मुझे कपड़े वगैरह भी धुलना है, और एक बेडशीट भी है इसको भी धुलना है। एक्चुअली मेरा मशीन ख़राब है तो आजकल मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ, तो सारा मैं इसको सर्फ में भिगा के उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी हाथ से ही, और उसके बाद फिर मुझे शावर लेना रहेगा। तो दोनों बच्चों ने भी शावर वगैरह ले लिया है, घर का मतलब क्लीनिंग का काम भी सारा हो गया है। तो बस मुझे कपड़े वगैरह धुल के और उसके बाद फिर मैं शावर लेके फिर मुझे जो है मंदिर की भी सफाई करनी है, उसके बाद फिर पूजा पाठ का काम करना है। तो बस फटाफट से कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। कपड़ों को धुलती जाती हूँ और साथ साथ में उनको उल्टा भी कर देती हूँ ताकि पानी में खंगालने के बाद, और उसके बाद फिर मतलब कपड़ा डालने में इजी रहता है, उल्टा करके ही फिर पानी में साफ़ कर लो तो फिर अपना निचोड़ के फिर अपना डाल दो सूखने के लिए, तो इस तरह इजी रहता है। तो बस कपड़े धुलने के बाद मैंने शावर ले लिया था, और उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि अभी रात में ही ना मंदिर का हम लोग ओपन किए हैं, मतलब बंद था, तो सारा मतलब धूल मिट्टी सब जमा हुआ है
गंदा भी है थोड़ा सा, अच्छे से इसको भिगा के मतलब पानी में कपड़ा भिगा के इसको अच्छे से वाश कर लूँगी। और माता जी का ये जो चुंदरी वगैरह है ना, इसको भी मैं वाश करूँगी। तो चुंदरी वगैरह जब धुलूँगी ना तो फिर मतलब थोड़ी देर डालना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा 20 मिनट तो लगेगा ही। चुंदरी हल्की होती है, जल्दी से सूख जाएगा। तो बस फटाफट से मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ करके और मूर्ति वगैरह भी थोड़ा सा साफ़ करके उसके बाद फिर जो है पूजा पाठ भी करना है। बस इधर मेरा पूजा पाठ हो गया था। और जो कपड़े मैंने वाश किए थे ना, इसको भी मैं धूप में बाहर डाल देती हूँ। धूप बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत तेज़ भी धूप हो रहा है, तो इनको मैं ले जाके बाहर डाल देती हूँ ताकि ये अपना सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मुझे बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कराना है, तो बस फटाफट से मैं कपड़े डाल देती हूँ और बच्चों को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो आज है नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी के फैमिली को भी। और हैप्पी नवरात्रि, माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। तो ये देखिए मैंने चुंदरी वगैरह धुल दिया था और मैंने मंदिर में सजा दिया है। चुंदरी वगैरह मैंने धुल दिया था, सूख गया है, तो मैंने माता जी के पास मतलब लगा दिया है, माता जी के मतलब मंदिर में सजा दिया है। और मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया ख़त्म, तो मुझे बस लंच वगैरह बनाना है, क्योंकि मेरा फास्ट वगैरह तो है नहीं, मतलब ना तो मैं हूँ ना तो हस्बैंड है, तो कोई फास्ट नहीं है, तो लंच वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा। तो चल रहे हैं, कुछ सिंपल सा ही लंच बनाऊंगी, ज़्यादा और कुछ नहीं। तो बच्चे हम लोग भी सब मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं, बच्चे भी कर लिए हैं, तो बाकी मतलब मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया ख़त्म, बस मुझे लंच वगैरह की तैयारी करनी है और पूजा पाठ भी हो गया था। और आज ही ना मैंने मंदिर लगाया है, क्योंकि अभी तक तो मंदिर पैक था। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि मतलब मेरा रूम अभी कैसे है, सारा सामान वगैरह अभी भी पैक ही है। तो मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं कि मतलब हमें दूसरा रूम मिल जाए, उस जगह हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मतलब अभी ज़्यादा कुछ ओपन नहीं है। तो मंदिर भी बंद ही था, लेकिन नवरात्रि की वजह से ओपन करना पड़ा। सोच रहे थे मतलब दूसरा रूम मिल जाएगा तभी सब सामान वगैरह मतलब ओपन करेंगे, लेकिन मतलब मंदिर तो आज रात में ही हम लोगों ने पैकिंग खोला था मंदिर का, तो सुबह मतलब लगाए हैं और मंदिर वगैरह साफ़ किया मैंने। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाना है मुझे। तो फिर जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो बस दाल चावल और जो बनाना की भुजिया है वही बस वही बना रही हूँ। तो ये दाल मेरा पक गया था और मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, सिंपल सा ही तड़का मैंने लगाया है। ये देखिए दाल अच्छे से, ये कुकर ना खुल नहीं रहा था एक्चुअली, मैंने एक हाथ में जो है मोबाइल लिया हुआ था, एक हाथ से ही ओपन कर रही थी तो नहीं हो रहा था। तो बस तड़का लग गया है और मैं इसमें दाल डाल दूँगी। तो दाल पक गया है और चावल भी मैं इसी में जो है कुकर में डाल दूँगी, चावल भी पक जाएगा। तो इधर जो है मैं सब्जी बना लेती हूँ फटाक से। तो दाल चावल सब्जी है भुजिया बनाना की। तो ये मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है मस्टर्ड डाल डाल के, और ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं कटी हुई सब्जियाँ इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए बनाना की सब्जी है, इसका मैं भुजिया बनाऊँगी। तो इसको मैंने कट के और धुल लिया है, और जब प्याज वगैरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है बनाना ऐड कर दूँगी कटे हुए बनाने को। तो बस फटाक से मैं इसको भी बना लेती हूँ और हमारा लंच हो जाएगा रेडी। तो ये देखिए सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डालूंगी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला बस, बाकी और कुछ नहीं, नमक स्वाद अनुसार, और बाकी कुछ नहीं जाएगा इसमें। बस नॉर्मल सी सब्जी है लेकिन अच्छी बनी थी, अच्छी लगती है इस तरह की बनाना की भुजिया। तो बस फटाक से मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी, पानी भी नहीं डालूँगी, ये अपने आप जो है पक जाएगा। तो ये इसमें ना चिपक रहा है, तो फिर मैंने नॉनस्टिक वाली कढ़ाई में इसको जो है मतलब डाल दिया था, और ऊपर से मैंने हरा वाला मिर्च काट के डाल दिया था। तो बस बनाना की सब्जी रेडी हो गई है, ये देखिए एकदम पक गया है। और
फ्रेंड्स मेरी वीडियो बस इतनी थी, कैसा लगा जरूर बताना। अगर थोड़ा भी पसंद आए ना, थोड़ा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।